वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है आपके यहाँ यूट्यूब चैनल नितिन टॉक पर। तो आज मैं आपसे फिर एक नए टॉपिक पर आ गया हूँ बात करने, जो कि एक प्ले स्टोर से रिलेटेड ही होने वाली है, क्योंकि मेरा एक वीडियो है प्ले स्टोर से रिलेटेड जो अच्छी खासी व्यू मुझे देख चुकी है। लगभग 65K के पार कर चुका, यानी 65,000 से ऊपर का व्यू आ चुका, 1K से ऊपर का लाइक, उसमें बहुत सारे कॉमेंट भी आए हैं। उसके कमेंट की ही बातें करेंगे आज दोस्तों। जैसे कि उसमें कमेंट आते रहते हैं कि जैसे बहुत से लोगों का प्ले स्टोर वीडियो के देखने के बाद भी काम नहीं करता, तो उसके रिलेटेड मैंने एक और वीडियो दे दिया जो कि ऊपर आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके बाद एक और कमेंट आता है जो कि है कि प्ले स्टोर काम नहीं कर रहा, प्ले स्टोर वर्क नहीं कर रहा, आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो पेंडिंग में रह जा रही है। जैसे कि कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वीडियो फोटो लगा दूँ, उसका पेंडिंग में हमेशा रह जाती है और वो स्लाइड करते रहता है, बट डाउनलोड होती नहीं है। और एक तो प्रॉब्लम आता है प्ले स्टोर ओपन नहीं होता है कभी कभी किन लोगों का, वो सारे प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं वो पुराने फ़ोन्स में आ रहे हैं, नए फ़ोन्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। आ तो नया फ़ोन भी है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो जस्ट आपने भी फ़ोन लिया और तुरंत साइन इन किया है, थोड़ा टाइम लगा तो उसमें तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे टॉपिक को भी हम टच करने वाले हैं। तो सबसे पहला आप लेके चलते हैं कि नया फ़ोन है, बिल्कुल न्यू ब्रांड का लिए, और उसमें भी आप डाउनलोड में लगाते हैं, डाउनलोड हो नहीं रहे पेंडिंग में। तो उसका प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वो नया फ़ोन होने के कारण उसमें बहुत सारे सिस्टम अपडेट्स में होते हैं, जो कि अपडेट होते रहेंगे, धीरे धीरे अपडेट होंगे। जब वो अपडेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपने जो नया डाउनलोडिंग में प्ले स्टोर से लगाया, प्ले स्टोर के साइन इन करने के बाद वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, ये प्रॉब्लम तो हमको लगता है आपको सॉल्व हो गई होगी, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका होगा मैं। तो उसके बाद एक नेक्स्ट आ रही है कि जो फ़ोन है डाउनलोड पेंडिंग में रह रही है, तो उसका कोई जेन्यून या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये सब नहीं है, छोटा प्रॉब्लम ये भी है। जैसे कि अगर पहले तो आपका डाउनलोड में लगा देते हैं, डाउनलोड में लगाने के बाद वो तो पेंडिंग में जाती है, और पेंडिंग में थोड़ी देर तक रहती है, तो आपको करना क्या है, वो नेटवर्क का एक प्रॉब्लम हो सकता है, कि स्टोरेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको करना है, एक तो पहले अपना फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर लें एक बार, उससे अगर हो जाती है तो सही है, नहीं आती तो फ़ोन को एक रीस्टार्ट कर लें, जिससे होगा कि आप में जो कैच मेमोरी तो क्लियर कर सकते हैं, बट ऐसे हो नहीं रहा तो आप एक रीस्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको सॉल्यूशन उसमें करना होगा कि अपने सेटिंग्स में जानी है और एप्स में जाना, जो एप्स का लिस्ट होता है उसमें, और उसमें एप्स में आपको खोजना अपना प्ले स्टोर, उसके डाटा को क्लियर कर देना, यानी कि क्लियर डाटा एक बार कर देना। जब आप क्लियर डाटा कर देते हैं तो फिर से वो डाउनलोड वहाँ पर जो चाहेंगे आप आसानी से हो जाएगी। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि प्ले स्टोर ऑन नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम पुराने मॉडल्स के फ़ोन में है, यानी कि पुराने फ़ोन्स में, कुछ नया फ़ोन्स में भी है। तो ये प्रॉब्लम इस कारण से है कि आपके पास तो फ़ोन नया है, जैसे कि कोई भी फ़ोन अभी मार्केट से आप ले जाते हैं तो वो नया, बट वो फ़ोन जब कंपनी बनाई थी, हो सकता है आप पुराना फ़ोन बनाई हो तो थोड़ा पुराना हो, बट आपने तो नया समझ के लिया है उसे, आपके लिए तो वो नया है, बट वो फ़ोन पुराना है, उसके स्टोरेज पुराने हैं, रैम पुराने हैं, तो अपने हिसाब से पुराने समय के अनुसार कंपनी दे चुकी है, तो आप उसे लेते हैं लेटेस्ट के रूप में, लेकिन वो लेटेस्ट आपके लिए, वो कंपनी के लिए नहीं, यानी प्ले स्टोर के लिए नहीं, वो अपने सिस्टम को अपडेट कर चुका है, अपडेट करने के बाद बहुत सारी चीज़ उसके चेंज हो चुके हैं। तो आपको उसमें बार बार तो आपको डाटा जाके क्लियर करना होगा, जब क्लियर करेंगे तो डाउनलोड होगी, फिर अन्यथा वो प्रॉब्लम देती रहेगी। तो कोशिश करें न्यू फ़ोन हो तो लें, नहीं तो फिर उसी को आप डाटा क्लियर कर लें और यूज कर लें। तो ये थे हमारे तीन टॉपिक जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बार आई थी, और प्ले स्टोर से रिलेटेड नया वीडियो जो कि मैंने आई सेक्शन में दिया और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और नया कोई टॉपिक आपके पास आता है जिसका प्रॉब्लम अभी आप बार बार झेल रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट गिवे किया था वो मात्र 100 रुपीज़ की गिवे थी, जिसका रिजल्ट मैंने अभी तक दिया नहीं। इस कारण से मैंने नहीं दिया है कि मैंने बोला था जब उस पर 50 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा, जिस पर भी 49 लाइक हैं, अगर 1 लाइक और हो जाती है दोस्तों, जो कि लिंक आई बटन में भी है, डिस्क्रिप्शन में है, आप कहीं से भी जाएँ वीडियो को देखें, अगर 1 लाइक और हो जाती है और शेयर कर लें, जिस कॉमेंट तो ज़्यादा भी उस पर आए नहीं, थोड़े कॉमेंट ही, उसी में से मैं किन्हीं एक को दे दूंगा, तो आप ऐसा करें उसे 1 लाइक पार करा दें, यानी कि 50 लाइक प्लस हो जाती है जिस दिन मैं उसका गिवे कर दूंगा। अगर आज हो जाती है तो आज भी उसका वीडियो आ सकता है। तो न्यू गिवे ला रहा हूँ मैं एयरफोन्स का, तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ, 900 जैसे ही पार करता है मेरे सब्सक्राइबर, मैं उसके बाद 5 एयरफोन्स का गिवे, 5 मोर एयरफोन्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं 5 ही हो, तो कितने भी एयरफोन्स हो सकते हैं मैं उसका गिवे ला रहा हूँ।